हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको यहाँ ये समझना होगा कि जेईई और नीट की परीक्षा का सिर्फ छात्र ही नहीं विरोध कर रहे, बल्कि विपक्ष और सरकार के अपनों ने भी परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज सोनिया गांधी परीक्षा के मुद्दे पर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को एकजुट करेंगी, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा के फैसले से वो पीछे नहीं हटने वाली। सरकार के विरोधी परीक्षा के खिलाफ, सरकार के अपने परीक्षा के खिलाफ, लेकिन सरकार परीक्षा के फैसले पर अड़े। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो, इसलिए और बच्चों ने ये निर्णय लिया है। जेईई नीट की तारीख नजदीक आते ही परीक्षा का राजनीतिक विरोध भी तेज हो गया है। परीक्षा के विरोध में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गैर बीजेपी राज्यों के सीएम से बात करेंगी। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने सरकार के फैसले के विरोध में भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी परीक्षा टालने की मांग की है। जब हम पार्लियामेंट अगर जब होने जा रहा है तो मीडिया कह रही है कि पार्लियामेंट हम एक दूसरे के बाजू नहीं बैठ सकते, थोड़े अंदर बैठेंगे, थोड़े बाहर बैठेंगे, थोड़े लॉबी में बैठेंगे। भाई जब एमपीज एक साथ नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे आप इन बच्चों को एग्जाम लिखाएंगे? अधिकांश बच्चे वो चाहते हैं कि अभी परिस्थितियां सही नहीं है, अब दूर दूर से 300-300 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं, और वो वहां कैसे पहुंचेंगे? हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। लाखों छात्रों या उनके अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि अब वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार की तैयारी में पूरे जी जान से लग जाएं। विरोध के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगी। छात्रों और अभिभावकों की मांग पर ही परीक्षा हो रही है। 85% से ज्यादा छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। छात्रों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद का सेंटर दिया गया है। भीड़ कम करने के लिए एक परीक्षा केंद्र में 100 से 150 छात्र ही परीक्षा देंगे। जेईई मेन के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 कर दी गई है। नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है और उन अभिभावकों को जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं। सरकार लाख दलील दे लेकिन छात्रों की चिंता की गूंज विदेशों तक पहुंच गई है। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की आवाज बन चुकी ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, भारत के छात्रों को कोरोना संकट और भीषण बाढ़ के बीच परीक्षा देने के लिए कहना अनुचित है। मैं छात्रों की परीक्षा को टालने की मांग का समर्थन करती हूं। कोरोना संकट के दौरान देश भर में गरीबों की मदद के कारण सुर्खियों में आए अभिनेता सोनू सूद ने भी परीक्षा टालने की मांग की है। सोनू ने ट्वीट किया, देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से नीट जेईई परीक्षा को टालने की अपील करता हूं। कोरोना के हालात को देखते हुए हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और छात्रों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। तो जान जोखिम में डालने वाला एग्जाम क्यों, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे हैं। इसके अलावा पंत इंस्टीट्यूट, केजी पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बद्री नारायण हैं और स्वास्थ्य क्लासेस के फाउंडर शोभित गुप्ता हैं। हम सीधे नीरज के पास चलते हैं। नीरज, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है और छात्र भी तैयार हैं, 99% ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है, लगातार मांग कर रहा है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। क्या सरकार पीछे हटेगी? बिल्कुल विकास, विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है, लगातार लेटर लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं, कोरोना को लेकर खतरा तो है, कोरोना को लेकर तमाम समस्याएं तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब आपने सारे बाजार खोल दिए, सारी देश में हर लगभग एक्टिविटी शुरू हो गई है, बिजनेस शुरू हो गया, फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं, कंपनियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में छात्रों की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। और अब तक कल रात में भी जो पत्र एनटीए का जारी हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उनका जो पत्र जारी हुआ, उससे साफ है कि उन्होंने तैयारी लगभग पूरी कर ली और अब सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि कल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक स्वयं सामने आए और डीडी न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने ये बात कही कि पहले सुरक्षा बाद में परीक्षा,
तो सुरक्षा के लिए हमने वो सारे पैमाने पूरे कर लिए हैं, सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन छात्रों का एकेडमिक ईयर न समाप्त हो, इसलिए ये जरूरी है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, एकेडमिक ईयर पर ही जो आपने दलील दी नीरज, इसी पर मैं सवाल बद्री नारायण जी आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं सुबह से लगातार ट्विटर पर हजारों छात्र मुझे ट्वीट कर रहे हैं और एक किसान के गरीब बेटे ने ट्वीट किया है, वो लिखता है कि 2015-2016 में पेपर लीक हुआ था, एग्जाम लेट हुए थे, तब नहीं एकेडमिक ईयर का नुकसान हुआ था। दुनिया भर में ऐसा कुछ हो रहा है कोरोना काल में जो कभी नहीं हुआ, एक साल बर्बाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिंदगी तो बचेगी। बद्री नारायण जी, सवाल आपसे था। यही सवाल अगर स्वास्थ्य कॉलेजेस के शोभित गुप्ता सुन पाए हैं, शोभित सवाल आपसे। पहली बात, 2015-16 में एकेडमिक ईयर नहीं खत्म हुआ था, एग्जाम दोबारा हो गया था। हाँ, बट और दूसरी बात, एकेडमिक ईयर खत्म, बच्चों को ऑप्शन तो मिलना चाहिए। ऑब्वियसली वी नो दैट देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात को अपोज कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चे ये भी तो हैं जो कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए। उन बच्चों का क्या, तो उनसे नहीं पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा एकेडमिक खराब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चे जो भी चाहता है एग्जाम नहीं देना वो ना दे, एनीवेज अगले साल तो एग्जाम होना ही है दोबारा से, अगर अगर ऐसी बात है तो ठीक है। बट इन जनरल मतलब अभी मैं कैलकुलेट ही कर रहा था, 660 सेंटर्स हैं, 600 और उसमें हर सेंटर पे 8 स्लॉट में एग्जाम होना है, 150 बच्चे एक स्लॉट में आने हैं, हर पेरेंट को, हर बच्चे को बोला गया पेरेंट्स को साथ में लेके आया जाए, उनको बोला गया है कि आधे आधे घंटे के स्लॉट में बच्चों को बांट दिया गया है ताकि बच्चे एंटर करते समय भीड़ ना हो, और एक रूम नहीं होगा उस हॉल के अंदर, और बच्चे बगल बगल में नहीं बैठेंगे। ये वही सेंटर्स हैं जहां पिछले साल तक 350-400 बच्चे एक बार में आते थे, और ये सिचुएशन है। बस हमें ये सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है कोरोना काल में जो कभी नहीं हुआ, हम 100 साल में एक बार के वक्त में जी रहे हैं, वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड में ऐसा, 100 साल तो बहुत छोटा टाइम पीरियड है, आप कह रहे हैं मतलब इट्स इवन बिगर देन दैट मेरे हिसाब से, ठीक है। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, SARS आया था क्या कहते हैं 2004 में, बट अभी उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं चला था जी। बट कोविड में सब कुछ पता है ना। आपकी बात आपने रखी, सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डायरेक्टर है विद्या मंदिर क्लासेस के, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों का सवाल जो है वो लगातार हम यही पूछ रहे हैं कि प्रतियोगिता तब तक संभव है जब तक प्रतियोगी है, और अगर वही लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर ऐसा प्रेशर बना दिया जाएगा कि सेंटर पर जाएंगे तो कोरोना का खतरा, नहीं जाएंगे तो एकेडमिक ईयर बर्बाद होने का खतरा, तो ऑप्शन क्या बचता है? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई पोल तो है नहीं कि कितने बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम हो और कितने बच्चे चाहते नहीं हैं कि एग्जाम हो। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पे बच्चों का ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है, या जहां पे ट्रैवल करना मुश्किल है वहां पे सरकार को जरूर इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो सेंटर है वो उसी शहर में हो जाए जिस शहर में वो बच्चे रहते हैं। दूसरी बात, संक्रमण का खतरे की बात अगर हम करते हैं तो संक्रमण का खतरा तो अगर आपके माँ बाप घर के बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं तो भी संक्रमण का खतरा तो उतना ही है जितना आपका कोविड सेंटर पे जाने पे है। तो ये लॉजिक तो खाली काम नहीं करेगा कि हम एग्जाम पे जाएंगे तो कोविड हो जाएगा। आप प्रिकॉशन बहुत अच्छे SOP है, मैंने सारे SOP पढ़े हैं, और मुझे दूसरा ये लगता है कि क्या कहते हैं, उन जगहों पे जरूर बिल्कुल सरकार को और सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए जिन स्टेट्स के अंदर ट्रैवल करने का प्रॉब्लम है, तो वहां पे ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने चाहिए जहां पे बच्चे को 150-200 किलोमीटर चलना है, या कोई गरीब छात्र है जो टैक्सी करके 7-8 हजार रुपए की वहां पे नहीं जा सकता है एग्जाम सेंटर पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सौरभ कुमार, और ये जो एक बड़ा एक इश्यू है कि अगर 200-300 किलोमीटर दूर से कोई छात्र आ रहा है तो वो किस तरह से आएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, प्राइवेट गाड़ी हायर करके उसके लिए आना गरीब छात्र के लिए बहुत मुश्किल होगा। सीधे प्रयागराज के KG पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बद्री नारायण के पास चलते हैं। बद्री नारायण जी, एक ऑप्शन ये भी है जैसा कि शोभित ने कहा कि जिसको नहीं परीक्षा देनी है, जो चाहता है कि एग्जाम ना हो, तो वो इस साल ना बैठे एग्जाम में, लेकिन एकेडमिक ईयर क्यों बर्बाद किया जाए? देखिए, सवाल एकेडमिक ईयर का तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिंदगी का है, छात्रों की जिंदगी का है, जिंदगी और कैरियर में चुनना है, थोड़ा देर कैरियर पोस्टपोन किया जा सकता है, और एक का होगा एक का नहीं होगा ये भी कोई बहुत बेहतर रास्ता नहीं है। और ये हो सकता है कि भाई आप जैसे आप लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सुविधाएं नहीं है लोगों से, गांवों से बुलाते हैं, कितनी दिक्कत से आते हैं, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट टाउन से आप
पता है कि 6-6 घंटा लोग चल के गाड़ियों बसों में बैठ के आते हैं, ना बस है ट्रेन है उसकी सुविधाएं नहीं है, फिर लोग आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ छात्र। देखिए बद्री नारायण जी, जो कोरोना के केसेस है उसमें ये भी सामने आया है कि 19 से 24 साल के बच्चों के लिए फेटल नहीं है, इस तरह के मामले नहीं सामने आए, कोरोना का अगर संक्रमण हुआ भी है तो फेटल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें कई यूथ भी मर रहे हैं, और एक भी अगर मरता है जिंदगी कॉस्टली है, एक नेशनल लाइफ, ये नेशन का लाइफ। बिल्कुल बद्री नारायण जी, और भगवान ना करे अगर ऐसा हो जाए तो ये सरकार इस बोझ को, उस छात्र की मौत के बोझ को अपने कंधों पर क्या उठा पाएगी? सौरभ कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण होती है, एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा विदेशों में किस तरह से एक जिंदगी के लिए पूरा राष्ट्रीय पॉलिसी प्रभावित होती है। हमें एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दो चार महीने और ठहर लेते हैं जो सरकार देश को देगी। सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार जी, वैक्सीन आ जाता है, बद्री जी मैं आऊंगी आपके पास। सौरभ कुमार जी, ये जो पूरी बहस हो रही है ना कि भाई साल खराब नहीं होना चाहिए, जिंदगी चाहे खराब हो जाए, जिंदगी चाहे दांव पे लग जाए, ये हमारी भारतीय मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उस भागती हुई रेस में देखना चाहते हैं, ये नहीं सोचना चाहते कि बीमार हो जाएगा वो, उसकी जान को खतरा है। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि जीरो ईयर करना भी एक सोल्यूशन है, पर क्या जीरो ईयर पूरा वर्ल्ड मिलके कर रहा है या भारत के बच्चे पूरे विश्व से पीछे रह जाएंगे अगर हम जीरो ईयर करते हैं तो? ठीक है, तो या तो ये पूरा विश्व एक साथ आए और सारी सरकारें इस बात पे अमल करें, अमेरिका की, इंग्लैंड की और भारत की और रशिया की, कि हाँ इस साल जो है पूरे विश्व में जीरो ईयर घोषित किया जाएगा तो भारत के छात्र जो है विश्व के बाकी देशों के छात्र से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर खाली भारत में जीरो ईयर घोषित कर दिया जाता है और विश्व में बाकी देशों में शिक्षा आगे बढ़ जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भारतीय छात्रों के लिए एक एक एक, एक गलत हो जाएगा? नंबर दो, क्या आज से पांच साल के बाद जब हम 2025 की बात करेंगे तो जो देश में 60,000-70,000 नए डॉक्टर पैदा होने वाले थे या 1,00,000 नए इंजीनियर आने वाले थे, वो 2025 में वो हमें अडेप्ट करेंगे? नंबर टू, जो बात जो बच्चे, मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों को खतरा महसूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर उनको ऑप्शन जो बिल्कुल सही है कि एग्जाम तो अगले साल भी होगा, जिनको डर नहीं लग रहा वो दे दें, और जिनको लग रहा है वो अगले साल दे दें, तो इसमें कुछ ऐसा। और इसमें एक और इंजीनियरिंग के लिए तो खासतौर से एक बहुत बड़ी बात यह है कि जनवरी में इम्तहान हो चुका है, तो 90% तो ये क्लियर ही है किसका एडमिशन होना है किसका एडमिशन नहीं होना है। ये बहस जो होनी चाहिए ये मेजरली मेडिकल इंटरेस्ट के ऊपर होनी चाहिए। कुमार, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि या तो इस पार या तो उस पार, बीच का रास्ता यहाँ पर क्या है ये कोई नहीं इस पर बात कर रहा है, बीच का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? बीच का रास्ता मेरे को यही दिखाई दे रहा है कि जो मैंने सीटिंग प्रोसेस पढ़ा है जिसमें एक सीट छोड़ के एक सीट की बात हो रही है, और एक घंटे के आधे घंटे के अंदर कितने छात्र अंदर जाएंगे, अपना मास्क लेके नहीं जाएंगे, सरकार मास्क प्रोवाइड करेगी, ये तो सेफ्टी सेंटर के ऊपर हो गई। नंबर टू, जो सबसे ज्यादा मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो दिख रहा है कि लोगों को ट्रैवल करने में परेशानी हो रही है, तो मैंने शुरू में भी यही बात कही कि सरकार को इस बात को एंश्योर करना पड़ेगा कि वो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, वो फैसिलिटी पेरेंट्स या बच्चा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो जो क्षेत्र है खासतौर से जो पांच राज्य हैं जिसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्रा है, इन स्टेट्स के अंदर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जहां पे गवर्नमेंट को ये ट्रेवल मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। इनफैक्ट बड़ा सवाल ये भी है, शोभित के पास चलते हैं। शोभित, एक बड़ा सवाल ये है कि हर चीज ऑनलाइन हो रही है, एग्जाम क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकता, क्यों नहीं ऑनलाइन एग्जाम कराकर एक बीच का रास्ता निकाल लिया है? दूसरा, जब बाजार खुल गए हैं, आप बाजार जा रहे हैं, सब्जी मंडी जा रहे हैं, तमाम जगहों पर आप घूम फिर रहे हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको महामारी दिखाई दे रही है कि ओवरऑल हमने इंडस्ट्री हर जगह ओपन कर दी, विच वाज आवर मजबूरी भी है हमारी, बट ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि ये एग्जाम बहुत हाई स्टेक एग्जाम है, मतलब हर एक बच्चे का ऑलमोस्ट करियर डिपेंड करता है इस एग्जाम के ऊपर, और इस एग्जाम को अगर ऑनलाइन कराया गया तो जो अनफेयर मींस की पॉसिबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है कि एट दिस पॉइंट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम खुद इस प्रॉब्लम से, हम खुद एज अ कोचिंग जीआरई, टॉफिल, तमाम ऐसे एग्जाम होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, और यहाँ देश के लिए नहीं, विदेशों के सब एग्जाम के लिए, सब एग्जाम किसी सेंटर पे जाके होते हैं, घर पे से कोई एग्जाम नहीं होता। जो भी ऑनलाइन सेंटर के लिए आपको 300 किलोमीटर दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं, ये एग्जाम भी ऑनलाइन ही है, ये एग्जाम भी कंप्यूटर पे बैठ के बच्चा दे रहा है। एक्चुअली में उस सेंटर्स में तो 300 से ज्यादा जाते हैं बच्चे दूर, वहां पे तो दिल्ली एक सेंटर होता है, मुंबई एक सेंटर होता है, लखनऊ में सेंटर ही नहीं होता है बहुत बार, तो इस वजह से उसमें तो और भी ज्यादा दूर जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं तो है कि उसमें। हमारे साथ पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बद्री नारायण जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। बद्री नारायण जी, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की भाषा अलग है,
और आप जो बात कर रहे हैं वो अलहदा है, ये दायरा कहीं ये वाला दायरा तो नहीं है बिजनेस वाला? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक पूरा व्यवसाय इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि वो उसको जोड़ेंगे राष्ट्रीय बौद्धिकता के उत्पादन से और प्रोडक्टिविटी से जोड़ेंगे, लेकिन मुद्दा ये बाजार का भी मामला है, क्योंकि उनका एक सेशन जाएगा, एक बैच निकलेगा तो दूसरा बैच निकलेगा। मुझे लगता है कि इसको बहुत सोशली और नेशनल इश्यूज के रूप में देखना चाहिए। और सामाजिक इशू यह है कि हमारी 80% जनता गरीबी के शिकार है, बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है, और उनके बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं, वो इस स्थिति में नहीं होते कि वो हैं कि वो आकर के एग्जाम दे सके। ये 2-3 महीने की बात थी, अगर सरकार 2 महीने अगर चयन का अगर हम सब लोग कर लें और 2-3 महीने जब इसमें बोलना चाहूंगा बीच में, तो जी सौरभ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए मैडम। थोड़ी मदद मैडम, एक बिल्कुल, मैं अगर अगर ये डेट कोई बता सकता है कि पेंडेमिक कब खत्म होगा तो सरकार बिल्कुल एक्शन ले सकती है। अगर आप कि दिसंबर में खत्म होगा तो चलिए एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, और अगर आप कोचिंग संस्थान की बात कर रहे हैं तो कोचिंग संस्थान का जो मेन बिजनेस है वो 2 ईयर बैचेस से चलता है जो उनका भर चुके हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं तो IIT दिल्ली का डायरेक्टर, IIT बॉम्बे का डायरेक्टर, इन दोनों ने कल रात को मेरे साथ ही जो इंडिया टुडे टेलीविजन पे बहस में थे, उन दोनों ने कहा है कि सेशन डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर और IIT बॉम्बे के डायरेक्टर भी कोचिंगों के साथ मिले हुए हैं? देखिए देखिए, देयर आर टू, दो लाइन है। एक लाइन है कि आप रात के जो 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 बहुत जो हमारे उपेक्षित समुदाय है उनके बारे में सोचें, गरीबों के बारे में सोचें। दूसरी लाइन है राष्ट्रीय जीवन, जीवन एक राष्ट्रीय संपत्ति है, इसके बारे में सोचें। और तब तीसरा सवाल है कैरियर के बारे में सोचें। आपने कैरियर को सबसे पहले जोड़ दिया कि भाई सेशन हमारा जीरो हो जाएगा, तो आपकी राष्ट्र जीवन एक राष्ट्रीय संपत्ति है वाला। बहुत बहुत शुक्रिया बद्री नारायण जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं बच्चे पेपर देना चाहते हैं तो फिर अभी भी लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए था, बाजार नहीं खोलने चाहिए थे, और जो सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ रहा है अनलॉक उसको भी रोक देना चाहिए था।